विक्रम विश्वविद्यालय के फार्मेसी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अनीस शेख पर छात्रों द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि प्रोफेसर ने सोशल मीडिया ग्रुप पर छात्रों को नमाज पढ़ने और मुस्लिम बनने के फायदे बताए। प्रोफेसर पर हिंदू स्टूडेंट को टारगेट करने का भी आरोप लगा है। प्रोफेसर पर कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विक्रम विश्वविद्यालय में हंगामा किया। यह मामला इतना बढ़ गया कि कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। कुलपति ने आरोपी प्रोफेसर को 15 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया है। कुलपति ने कहा कि जांच कमेटी रिपोर्ट जल्द ही देगी, अगर प्रोफेसर के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो विभाग की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने एक प्रोफेसर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने छात्र छात्राओं का सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया है जिसमें धर्मांतरण की बात कही गई, मुस्लिम बनने के फायदे बताए और नमाज पढ़ने की भी बात सामने आई है। मामला यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट का है। आरोपी प्रोफेसर का नाम अनीस शेख है। स्टूडेंट का आरोप है कि प्रोफेसर अनीस शेख हिंदू छात्र छात्राओं को टारगेट करते हैं। शुक्रवार को इसी बात को लेकर 100 से ज्यादा स्टूडेंट ने छात्र संगठन एबीपी के साथ मिलकर जमकर हंगामा किया। वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोपहर में होने वाला टेस्ट रुकवा दिया और मेन गेट पर ताला जड़ दिया। इससे कई प्रोफेसर और स्टूडेंट विभाग में बंद हो गए हैं। स्टूडेंट की मांग थी कि प्रोफेसर अनीस शेख को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हंगामे की सूचना पर कुलपति अखिलेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। ताला खोलने की बात को लेकर उनकी एबीपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बहस हो गई। काफी हंगामे के बाद कुलपति के आरोपी प्रोफेसर अनीस शेख को 15 दिन के लिए हटाकर जांच की बात कही, तब कही जाकर स्टूडेंट माने। विश्वविद्यालय में लगातार हमारे संज्ञान में एक मामला आ रहा था कि वहाँ पे एक प्रोफेसर मुस्लिम प्रोफेसर है जो कि धर्म के अनुसार पे मार्क्स विद्यार्थी को देते हैं। लगातार 3 वर्ष से देखने को आ रहा था कि विद्यार्थी जो हिंदू बहन और हिंदू भाई थे उनको एक ही विषय में केमिस्ट्री में जो वहाँ के सर पढ़ाते हैं उनको फेल कर दिया जाता है और जो मुस्लिम भाई बहन है उन मुस्लिम भाई भाइयों को अव्वल नंबर दिए जाते हैं। साथ ही एक जो ऑफिशियल जो ग्रुप रहता है डिपार्टमेंट का उसके अलग हटके एक मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रुप वहाँ पे बनाया गया और नमाज के फायदे, रमजान के फायदे, नमाज क्यों जरूरी है, नमाज से क्या क्या होता है, इस प्रकार की घटना उस ग्रुप के अंदर डालती है और हिंदू भाई बहनों को जोड़ करके उनको धर्मांतरण के लिए प्रेशराइज करता है। सर लगभग उस ग्रुप में कम से कम आज भी ग्रुप हमने देखा तो उस ग्रुप में कम से कम 150 से 150 विद्यार्थी उसमें जोड़ लिए गए हिंदू भाई बहन। एक बार की घटनाक्रम सामने आया जब हम उसको लेकर के हमने आज वहाँ पे ज्ञापन प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एक बार क्लास के अंदर भी नमाज पढ़ाई गई है। हाँ, हमने आज विशेष साहब के सामने हमने ज्ञापन प्रदर्शन किया है। उन्होंने तत्काल उनको निलंबित किया गया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई रहेगी उन पर वो कार्रवाई करेंगे। तत्काल आदर्श चौधरी उज्जैन महानगर मंत्री। आज फार्मेसी विभाग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ विद्यार्थियों ने वहां पे प्रदर्शन किया। एक शिक्षक हैं, अतिथि विद्वान हैं, उनके खिलाफ 2 आरोप उन्होंने लगाए हैं। एक है कि उन्होंने कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें कुछ विद्यार्थियों के लड़कियों के खासतौर से नंबर उसमें डाले हैं और उससे कुछ उनको फोन आते रहते हैं, तो ये एक मेन जो है उनका आरोप है। दूसरा आरोप है कि एक वर्ग विशेष के विद्यार्थियों को वो परीक्षा में भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं जिससे उनको कम नंबर देते हैं। ऐसे 2 आरोप लगाए हैं और अभी उनकी शिकायत डायरेक्टर साहब को मैं बुलवाया हूं, तो अभी लिखित शिकायत आएगी और उस पर जो है एक कमेटी बना करके हम उसकी जांच करेंगे और 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन में उस जांच कमेटी के जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे।